वेलकम बच्चों, वंस अगेन माई सेल्फ राकेश शुक्ला, स्टैंडर्ड 9 मैथ्स नंबर सिस्टम। यहाँ पे नेक्स्ट कंटेंट आपका आता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। रियल नंबर में जो रियल नंबर के जो एक्सपोनेंट्स होते हैं, यानी इनकी जो पावर्स होती हैं, उनमें कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस वर्कआउट करती हैं, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग जानेंगे। एंड दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस आर लिस्टेड हियर। फर्स्ट देखिए क्या है, a raised to m into a raised to n is equal to, we can write a raised to m plus 1। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी रियल नंबर अगर दिया गया है, उनके बेस अगर सेम होते हैं, तो उनकी पावर का मतलब एक्सपोनेंट, पावर उनकी ऐड हो जाती है, ठीक है ना। तो ये देखिए, अगर कुछ इस तरीके से दिया हो, जैसे 2 की पावर 4, 2 raised to 4 into, into में हो, and 2 raised to 6, तो आप इसको क्या लिख पाएंगे, 2 raised to 4 plus 6, it means you can say that it is 2 raised to 10, यानी कि बेस सेम हो और वो into में हो, मल्टीप्लाई में हो, तो उनकी पावर जो होती है, यानी एक्सपोनेंट्स क्या होती हैं, वो ऐड हो जाती हैं। इसी तरीके से देखिए सेकंड रूल पे आते हैं, इफ द रियल नंबर्स आर रिटन इन सच अ वे a raised to m होल raised to n, यानी कि कोई नंबर कुछ इस तरीके से लिखा हो 3 स्क्वायर इनटू, अब होल पूरे की पावर, यानी पूरे का जो एक्सपोनेंट है वो अगर 3 हो, तो इसमें क्या होता है, ये जो mn यानी जो इसकी पावर लगी होती है, उन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी ये हो जाएगा 3 raised to 2 into 3, यानी कि 3 raised to 6 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट, इफ दे आर गिवन इन द डिवाइडेड फॉर्म, यानी कि a raised to m डिवाइडेड a raised to n, यानी इस तरीके से दिए गए हो, एंड वंस अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट बेस शुड बी सेम, यानी कि इनका बेस क्या है, सेम होना चाहिए। तो यानी ये इस तरीके से दिया हो 5 raised to 2 एंड डाउन साइड 5 raised to 1, यानी ओनली 5, तो इसको आप लिख पाएंगे। देखिए यहाँ पे बेस सेम है, देखिए दोनों में 5 बेस सेम है, पावर अलग है, तो ये हो जाएगा 5 raised to 2 minus 1, मीन्स फाइनली यू विल गेट 5 raised to 1, इट मीन्स यू कैन राइट इट एज ओनली 5। सो इफ द बेसिस आर सेम देन देयर पावर्स आर गोइंग टू बी सब्ट्रैक्टेड, यानी कि अगर बेस सेम होगा तो उनकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसके बाद में अगला नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, a raise to m into b raise to m। अब यहाँ पे देखिए थोड़ी सी डिफरेंट चीज है, बेसिस आर डिफरेंट लेकिन इनकी पावर दोनों की सेम है। सो इफ द पावर्स आर सेम एंड बेसिस आर डिफरेंट देन वी कैन राइट इट एज, सपोज हियर इज इट इज रिटन दैट 2 square into 3 square, सो यू कैन राइट इट एज 2 into 3 whole square, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट a raised to 0, यानी कोई भी वेरिएबल हो या कांस्टेंट टर्म हो, अगर उसकी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, यानी कि अगर 2 raised to 0 लिखा जाएगा तो भी 1, 100 raised to 0 लिखोगे तो भी 1, या आप कोई भी नंबर आप ले लो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। लास्ट आपका आता है 1 by a raised to n, 1 by a raised to n में क्या है, इसको आप लिख पाएंगे, देखिए 1 by a raised to n, इसको जब हम ऊपर लेके आते हैं तो बेस तो वही रहेगा, पावर अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी और माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1 by a raised to n ऊपर आया तो ये हो गया a raised to -n, यानी कि पावर का साइन चेंज हो गया। तो इसी के बेस पर आइए देखते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.6। सो इन एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट फाइंड, आपको फाइंड करना है कि इसको आप सिंप्लीफाई करके कितना लिख पाते हैं। 64 रेज टू 1/2, 64 की पावर 1/2 है। अब इस 64 को आप सोचिए कि इसका आप क्या कर सकते हो, तो 64 को देखिए अगर आप ब्रेक करोगे तो 64 को आप क्या लिख सकते हो, 8 8 जा 64, ऐसा लिख सकते हैं ना, इजिली लिख सकते हैं। तो अगर आप ऐसा इसको लिख सकते हो तो 64 के प्लेस पर आप 8 into 8 और पूरे की पावर 1/2 आप लिख सकते हो, तो ये 8 into 8, तो 8 into 8 यानी क्या हो जाएगा, ये 8 square, और ये ऊपर तो पावर लगी है 1/2, तो यानी अब अगर आप इसको चाहो तो लिख पाओगे 8। इन दोनों का देखिए अब यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, रूल नंबर 2, ये देखिए सेकंड पार्ट, कि अगर a raised to m whole raised to n होता है तो वो हो जाता है a raised to m into n, तो यहाँ पे भी देखिए 8 square
होल रेज टू 1/2 है, तो ये हो जाएगा 2 × 1/2, तो ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 8 raised to n, यानी फाइनली यू गॉट द आंसर 8, ये 8 आपका आंसर हो गया, है ना इसी चीज। सेकेंड पार्ट देखिए 32, और ये पावर में क्या लगा है 1/5, 32 को अगर आप चाहो तो क्या लिख पाओगे, अगर आपको ऐसे डायरेक्टली अगर नहीं पता लगता है ना, तो इसको आप फैक्टराइज कर लीजिए, देखिए कुछ इस तरीके से, जैसे यहां पे मैं इसको कर रहा हूं 2 से अगर इसको हम डिवाइड करते हैं 32 को, तो क्या आएगा 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 1, तो देखिए ये 2 कितने टाइम आ गया, 1, 2, 3, 4, 5 टाइम, इट मींस यू कैन राइट 32 एज, देखिए कैसे लिख पाएंगे 32 को, आप लिख पाएंगे 2 raised to 5, 2 raised to 5 होल रेज टू 1/5, 2 raised to 5 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 32 के को जब मैंने फैक्टराइज किया तो यही तो मिला था ना आपको, कुछ ऐसा 5 × 2, तो 5 × 2 को आप क्या लिख पाएंगे 2 raised to 5, तो ये मैंने 32 के प्लेस पर लिख दिया 2 raised to 5। अब क्या होगा, फिर से अगेन द सेम रूल विल फॉलो, द सेम रूल इज दैट मीन्स 2 raised to 5 × 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 raised to 1, इट मीन्स दैट फाइनली यू विल गेट आंसर 2। लास्ट आपका देखिए थर्ड पार्ट है इसका, इसमें देखेंगे 125, पावर क्या है 1/3, ठीक है ना। अब इस 125 को आप देखिए अगर लिखोगे तो कैसे, देखिए फैक्टराइज करो पहले इसको, लास्ट में 0 या 5 होता है तो उसको हम लोग 5 से ही उसको डिवाइड करते हैं, तो मैंने 5 से शुरू किया, तो ये हो जाएगा 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, और ये 5 × 1 = 5, तो यानी कि आप इसको लिख पाएंगे 125 को क्या लिख पाएंगे आप, 125 को आप लिख पाएंगे 5 × 5 × 5, इट मींस फाइनली यू कैन राइट इट एज 5 raised to 3। यहां पे चलिए यही चीज हम लिखेंगे, 125 के प्लेस पर इंस्टेड ऑफ 125 वी कैन राइट 5³, और ये होल रेज टू 1/3 तो है ही है, तो होल रेज टू 1/3 हो गया। अभी यहां पे हम लोग क्या करेंगे इसको, सेकेंड रूल a raised to m whole raised to n is equal to a raised to m × n, सेम यहां पे फॉलो करेंगे, देखिए 5 raised to 3 × 1/3, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 5 raised to 1, यानी कि फाइनली यू विल गेट योर आंसर 5, सो इट्स सो इजी। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 1, हियर इट इज रिटन दैट 9 raised to 3/2, 9 की पावर क्या है यहाँ पे 3/2 है, तो 9 की पावर 3/2 है, तो यहाँ पे देखिए इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को आप अब देखिए यहाँ पे 3/2 है, नीचे 2 है, तो 9 को स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, कैसे 9 को लिख पाए आप लिख पाएंगे 3² यू कैन राइट 9 को 3² लिख पाएंगे ना, अरे 9 = 3 × 3, तो यानी कि ये 3² हुआ, तो ऐसा लिख पाएंगे, तो 9 के प्लेस पे आपने क्या लिख दिया 3², और ये ऊपर पावर तो 3/2 लगी ही है, ये तो कहीं गई नहीं है, तो ये ऐसा हो गया 3² whole raised to 3/2। अब यहां पे देखिए यही सेम सेकेंड रूल फॉलो करेंगे और हम इसको लिख पाएंगे 3 raised to, ये देखिए इन दोनों का क्या हो जाएगा mn है, यानी मल्टीप्लाई होगा, तो यही 2 × 3/2, तो ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा, ये बचेगा 3³, 3 की पावर 3, तो 3³ मीन्स वॉट 3 × 3 × 3, 3 × 3 = 9, 3 × 27, सो 27 इज द फाइनल आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। इन द सेम वे फॉर द सेकेंड पार्ट 32, अभी थोड़ी देर पहले आपने 32 को क्या लिखा था 2 raised to 5 लिखा था ना, तो 32 के प्लेस पर हम लोग लिख पाएंगे 2 raised to 5, और इसकी पावर क्या है 2/5, ये 32 2 raised to 5 नहीं समझ में आ रहा है, देखिए ऐसे 32 को जब अभी आपने मल्टीप्लाई किया था तो यही तो लिखा था आपने, 2 × 8 = 16 हो गया, 2 × 4 = 8 हो गया, 2 × 2 = 4 हो गया, 2 × 1 = 2 हो गया, 5 × 2 आया, तो यानी कि आपने इसको क्या लिखा था 2 raised to 5, 32 = 2 raised to 5, यही तो लिखा था आपने 32 = 2 raised to 5, तो 32 के प्लेस पर 2 raised to 5 लिख दिया मैंने। अभी क्या करना है, सेम रूल अप्लाई होगा यहाँ पे भी, 2 raised to 5 × 2/5, तो ये देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 raised to 2, यानी 2² इसको बोल सकते हैं, और फाइनली यू विल गेट द आंसर 4। इन द सेम वे फॉर हियर थर्ड पार्ट 16 को आप क्या लिख पाएंगे, 16 को आप लिख पाएंगे 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16, इट मीन्स 2 raised to 4, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, 16 के प्लेस पर आप लिखिए 2 raised to 4, और इसकी पूरी पावर होल रेज टू 3/4 लिख दो आप, यानी ये हो जाएगा
4 इंटू 3 बाई 4, 4 से 4 कैंसिल होगा, यानी फाइनली यू विल गेट 2 क्यूब, 2 क्यूब मीन्स व्हाट, 3 टाइम प्रोडक्ट ऑफ 2, सो मीन्स 2 टू जा 4 टू जा 8, दिस इज योर आंसर. इन द सेम वे फॉर दिस वन 125, यानी कि 125 को आप क्या लिख पाएंगे, 5 जा 25 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 125 होगा, इट मीन्स यू कैन राइट 5 क्यूब. तो यहां पे 125 के प्लेस पर आप लिखेंगे 5 क्यूब होल रेज टू माइनस 1/3, इट मीन्स यू कैन राइट इट एज 5 रेज टू 3 इंटू माइनस 1/3. अभी देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली यू विल गेट 5 रेज टू माइनस 1, और आप चाहे तो इसको लिख पाएंगे 1/5. दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर द लास्ट वन. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई. सिंप्लीफाई में क्या करना है, देखिए फर्स्ट पार्ट इसका है 2 रेज टू 2/3 इंटू 2 रेज टू 1/5. अब यहां पे देखिए हमें क्या करना है, यहां पे हम अप्लाई करेंगे फर्स्ट रूल अप्लाई करेंगे, बेसिस आर सेम, बेस देखिए यहां पे सेम है, पावर डिफरेंट है mn, तो पावर डिफरेंट है, बेस सेम है, सो इफ द बेसिस आर सेम एंड पावर्स आर डिफरेंट एंड दे आर गिवन इन द प्रोडक्ट फॉर्म, देन पावर्स वी कैन एड डायरेक्टली एट अ टाइम, सो दैट वी कैन राइट इट हियर एज 2 रेज टू 2/3 प्लस 1/5 इज इक्वल टू, अब ये देखिए इन दोनों को हम लोग प्लस करेंगे, तो ये देखिए यहां पे मैं आपको बता दे रहा हूं 2/3 प्लस 1/5, आप इसको प्लस करेंगे तो ये देखिए इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3/5 का एलसीएम 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 5 2 10 प्लस 3 1 3, यानी कि ये हो जाएगा 13/15. तो इट मीन्स दैट इसकी पावर जो आएगी वो आप लिख पाएंगे 2 रेज टू 13/15, दिस इज योर फाइनल आंसर. नाउ फॉर सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में आप देख पा रहे हैं 1/3 क्यूब होल रेज टू 7. अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे जैसा कि मैंने बताया था, ये देखिए 6 रूल्स में आप देख पाएंगे 1/a रेज टू n क्या होता है, a रेज टू माइनस n होता है. अब यहां पे हमें क्या करना है कि अगर कोई भी नंबर अगर इस तरीके से 1/ करके दिया है तो वो क्या होता है, ऊपर आ जाता है और पावर उसकी माइनस में हो जाती है. तो यानी यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख पाएंगे 1/3 क्यूब, तो इसको हम क्या लिख पाएंगे, 3 रेज टू 3 है तो ये 3 रेज टू -3 हो जाएगा, होल रेज टू 7 इसी तरीके से रहेगा. अब ये फॉर्मेट बन गया किसका, नाउ दिस फॉर्मेट इज फॉर ऑफ सेकेंड टाइप, a रेज टू m होल रेज टू n, तो यानी ये हो जाएगा 3 रेज टू -3 इंटू 7, फाइनली यू विल गेट द आंसर 3 रेज टू -21. सो दिस इज योर आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट. नाउ टूवर्ड्स थर्ड पार्ट, यहां पे आप देख पा रहे हैं 11 रेज टू 1/2 बाई 11 रेज टू 1/4, यहां पे आपका देखिए थर्ड रूल अप्लाई होगा, a रेज टू m बाई a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m माइनस 1, यानी कि अगर बेस सेम हो डिवाइड में दिया हो तो उसकी पावर क्या होती है, माइनस हो जाती है. तो इसी तरीके से यहां पे आप देख पा रहे हैं बेसिस आर सेम, 11 11 बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, बट दे आर गिवन इन द डिवीजन फॉर्म, सो वी कैन राइट 11 पावर्स को माइनस कर देंगे m माइनस n, यानी 1/2 - 1/4 इज इक्वल टू यू कैन राइट 11 रेज टू. अब 1/2 से 1/4 को माइनस करेंगे, ये चीज आप रफ पे भी कर सकते हैं, ये देखिए कुछ ऐसे 2 4 का एलसीएम 2 4 जा 8 होगा, फिर ये 4 1 जा 4 और ये 2 1 जा 2, 4 में से 2 जाएगा 2, बाई आएगा 8, 2 1 जा 2 2 4 जा 8, मीन्स फाइनली यू गॉट 1/4. तो यहां पे 11 रेज टू 1/4, दिस इज योर आंसर फॉर द पार्ट नंबर 3. नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स पार्ट नंबर 4, 7 रेज टू 1/2 इंटू 8 रेज टू 1/2. यहां पे क्या करना है आपको, यहां पे अप्लाई होगा आपका रूल नंबर 4. रूल नंबर 4 क्या कहता है आपका, इफ द बेसिस आर डिफरेंट, इफ द बेसिस आर डिफरेंट बट पावर्स आर सेम, सो इफ द बेसिस आर डिफरेंट एंड पावर्स आर सेम, देन बेसिस आर गोइंग टू बी मल्टीप्लाई टुगेदर एंड पावर्स वी कैन राइट ओनली वन टाइम. सो इट मींस दैट यहां पे आप देख पा रहे हैं बेस डिफरेंट है, बेस दोनों का क्या है, अलग अलग है, ये 7 है ये 8 है, लेकिन पावर दोनों की सेम है. यहां भी देखिए 1/2 है, यहां भी 1/2 है और यहां भी 1/2 है, तो हम इसको क्या लिख पाएंगे, 7 इंटू 8, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1/2, मींस फाइनली यू गॉट 7 8 जा 56 की
इसका पावर कितना हो जाएगा 1/2। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। इसी तरीके से आप इसके नेक्स्ट पार्ट्स को भी सॉल्व करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।